culture and your initiative that you're doing for public art? Well, as an artist, I think public art, everybody should be accessible to art. It's not just for the rich and famous, that they can go to all the museums in the world and appreciate art. My whole point behind promoting public art is that people on the road, people coming from all over India who probably would not even, you know, visit galleries or museums, should look at a public piece which appeals them, which gives them happiness. And there are a lot of commuters every day, you know, we drive around the traffic. If you look left and right and you see some nice piece of art which just gives that little smile on your face, that's the whole point of doing my, the whole force behind public art. And this is my sculpture which is done in stone and it's called Paradise Garden. The whole inspiration came from nature. I do a lot of theme-based artworks. So I've dedicated this to Mother Nature, to plant more trees, save water. Let's all get together and save the environment. This is what the art piece depicts. मैं रूबल जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ. मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हम ऐसी हड़बड़ी की ज़िंदगी मना रहे हैं. हम इतने छोटे रास्तों से जाते हैं, बहुत सारी इतने लोग हैं और समस्याएं बहुत सारी हैं. जब हम अच्छे खुशी के रंग देखते हैं, साफ़ सफाई देखते हैं, हमें अच्छा लगता है. वी ऑलवेज फील बेटर दैट अ सिटी हैव टू बी क्लीन. वी सी गुड थिंग्स और हर किसी की वही इच्छा होती है. आज हम खुश हैं कि पब्लिक स्पेसेस में हमें नया आर्ट इंस्टॉलेशन, एक नया कलाकार कोई अच्छा करना चाहता है, लोगों से जुड़ना चाहता है, वो दिखाई दे रहा है और इससे हमारी मुंबई, हमारा मुंबई शहर भी सुंदर दिखेगा. मैं रूबल जी के साथ बहुत जगहों पे काम कर चुकी हूँ. वी हैव डन ब्यूटीफुल हैशटैग बैंड्रा एंड बैंड्रा, ये हम कर रहे हैं. विल बी कनेक्टिंग विद मोर किड्स टू गेटिंग इन टू पेंटिंग देयर हैबिट्स, जहाँ पे वो कला के साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में अपना सुधार कर सकें, पैरों पे खड़े हो सके. एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऐश्वर्या जी, माय प्लेजर, उन्होंने अपना समय निकाला और मुंबई शहर की एक मुंबई वासी के रूप से उन्होंने मुंबई को ताकत दी और हर वक्त पूरा परिवार हमारे साथ जो कुछ शहर के लिए हो, देश के लिए हो, करने के लिए हर वक्त तत्परता से आगे बढ़ता है. इसलिए मैं ऐश्वर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे न्योता दिया. यू इनवाइटेड मी टू कम एंड जॉइन इन द इनॉग्रेशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल आर्ट वर्क बाई रूबल एंड द प्लेजर इज बिन ऑल माइन. इन्होंने एकदम सही कहा. हम रूबल जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे शहर को और ब्यूटिफाई कर रहे हैं और एज अ मुंबईकर वी आर ओनली टू हैप्पी टू जॉइन इन दिस ऑन गोइंग मूवमेंट टू ब्यूटिफाई आवर सिटी एंड हैव दीज वंडरफुल आर्ट इंस्टॉलेशंस. एंड व्हेन रूबल इज व्हेन शी इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इट मेक्स सच natural sense, I think, to everyone listening, that art is not really just for the exclusive section of society. It has to be enjoyed by all. Art becomes artwork with increased audience appreciation. And I think it's wonderful that together all of them, Poonam ji, Rubel, the BMC, all have actually made it possible that we're having these installations all over the city, and the pleasure was all mine to join in today. Thank you so much.